जब शरीर असक्त हो जाए, मृत्यु आपको निकट दिखाई दे रही हो, कोई ऐसा रोग हो गया हो जिसका प्रतिकार करना संभव ना हो, चिकित्सा संभव ना हो, उसके अलावा आपके लिए अब मरने के अलावा और कोई दूसरा तरीका ना बचा हो, तब समाधि ली जाती है। समाधि कोई अपनी आयु का समापन करने के लिए नहीं होती है, समाधि के लिए ये देख लिया जाता है मरण बिल्कुल निकट में है। मरणांतिकम कहा गया है, अंतक का मतलब समीप भी होता है। मरण जब बिल्कुल समीप में आ जाए, बिल्कुल निकट में आ जाए, जब लग जाए कि अब जो है इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं, आप देखने लग जाते हो, जब आप खुद अपनी क्रिया अपने हाथ से नहीं कर पा रहे हो, जब आपके लिए एक रोटी भी पच नहीं रही है, जब आप किसी भी तरीके से अपना शरीर भी हिला डुला नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए उस समय पर तो ये महसूस होना ही चाहिए कि अब हमारे लिए कुछ गिनती के दिन बचे हैं। जब कुछ गिनती के दिन बचते हैं तो उसी समय पर हम अपने आहार पानी का त्याग करें, जो थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं उसका ही हमें मोह त्याग करना है। उस थोड़ा लेने से कोई आपकी आयु ज़्यादा चलेगी नहीं, वो तो ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, बस वही जो थोड़ा आप जो कर रहे हैं उसी का अगर त्याग करने का संकल्प आ जाएगा तो उसी में ही आपके लिए वो सही समय कहलाएगा। मैंने यहाँ तक देखा है, 90 साल के एक क्षुल्लक महाराज थे, सुन रहे हो, और वो जो है मतलब कि अति वृद्ध हैं, मुश्किल से कुछ भी थोड़ा सा आहार ले पाते हैं, लेकिन फिर भी संलेखना का मन नहीं है। क्यों नहीं है? संलेखना की पीड़ा नहीं सहन कर पाएंगे, ये उनके अंदर धारणा बनी हुई है। अगर हमें कहीं भीतर से तड़फ के मरना पड़ा तो मैं पानी का जीव बन जाऊंगा, इसलिए मैं संलेखना ले लूंगा, तो उन्होंने अंत तक संलेखना नहीं ली। सही समय तो यही होता है, जब आपकी वृद्धावस्था आपको प्रकट दिखाई दे रही है, आप थोड़ा सा भी 10 कदम नहीं चल पा रहे हैं, सब कुछ असक्त हो चुका है, शरीर अब छोड़ने को कह ही रहा है कि हमें छोड़ दो, तो उसी समय पर वह संलेखना ली जाती है। लेकिन हमारे अपने लोभ परिणामों के कारण से या किसी भी तरीके के भय के कारण से हम उस समय पर वो संलेखना नहीं ले पाते, और उसी के कारण से वो शरीर तो पूरा हो जाता है लेकिन वो संलेखना में नहीं गिना जाता। तो ये एक संलेखना की सही विधि इतनी है, जब हमें बिल्कुल समझ में आने लग जाए कि मरण निकट है, डॉक्टर भी कह रहा है अब ये जितने भी 4 दिन 8 दिन चलेंगे, अगर इतना भी हमारे लिए ध्यान में रह जाए तो ये भी बहुत बढ़िया समय है। इस समय पर भी हम 8 दिन भी मान लो जीना है या 4 दिन भी जीना है, 2 दिन पहले से ही क्या फर्क पड़ रहा है, इतनी तो हिम्मत रखो, तब तो संलेखना कहलाएगी। हाँ, अब उसी में ही इंजेक्शन, उसी में ही वेंटिलेटर, उसी में ही ऑक्सीजन, तो तुम्हारी ऑक्सीजन कितनी दिन काम आएगी, उससे वो भी किया जाएगा, तो उस समय पर तो त्याग की भावना रखो। तो यही भावना, यही समय संलेखना का सही समय होता है।